अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड एस्पायरेंट्स, मैं आपको अपने चैनल सी एस एस एन पी एम एस एस्पायरेंट्स अकेडमी में खुश आमदीद कहता हूँ। आज जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बना रही हूँ वो सोशियोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड एमसीक्यू फॉर सी एस एस 2020 एंड ऑनवर्ड पार्ट टू। इससे पहले इसके मैं 20 एमसीक्यूज पार्ट वन में शेयर कर चुका हूँ जो आप लोगों को बहुत पसंद आए, इसलिए इसका मैं आज पार्ट टू बना रहा हूँ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट और रिपीटेड एमसीक्यू जो सी एस एस के पेपर में और ज़रूर आते हैं, ठीक है। और ये जो ना बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको एम सी क्यू ज़रूर पसंद आएंगे। तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं। हमारा जो 21st एम सी क्यू है, क्लॉथ्स बींग वोर इन अ सोसाइटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये इसका आंसर है ऑप्शन ए, मटीरियल कल्चर, ठीक है। इसके बाद जो हमारा एम सी क्यू नंबर 22 है दोस्तों, नॉन मटीरियल कल्चर इज आल्सो कॉल्ड, तो नॉन मटीरियल कल्चर को कहा जाता है सिम्बॉलिक कल्चर, ठीक है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, सिम्बॉलिक कल्चर। इसके बाद जो एम सी क्यू नंबर 23 है दोस्तों, टेकिंग वंस ओन कल्चर एज अ स्टैंडर्ड ऑफ जजिंग अदर कल्चर, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, इथनोसेंट्रिज्म, ठीक है। इथनोसेंट्रिज्म इसका सही आंसर है। एंड एमसीक्यू नंबर 24 है दोस्तों, पीपल फेस कल्चर शॉक व्हेन दे, ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, कम इन कॉन्टेक्ट विद डिफरेंट कल्चर। पीपल फेस कल्चर शॉक विन देयर, जब मतलब लोगों को शॉक मतलब हैरान कब होते हैं, जब वो जो है ना दूसरे कल्चर के साथ उनका मतलब वो मिलते हैं, ऐसे लोगों के साथ उनका तारुफ होता है या कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है। तो इसके बाद एमसीक्यू नंबर 25 है दोस्तों, जजिंग अनदर कल्चर कैन लीड अ पर्सन टू, किसी और की कल्चर को जज करना, तो इसको कहते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, इथनोसेंट्रिज्म एंड जीनोसेंट्रिज्म, ठीक है। जजिंग अनदर कल्चर कैन लीड अ पर्सन टू एथनोसेंट्रिज्म एंड जीनोसेंट्रिज्म, बोथ ऑप्शन बी एंड सी, सॉरी इसका आंसर ऑप्शन सी है, बोथ ए एंड बी। एंड लैंग्वेज इज एन एग्जांपल ऑफ, लैंग्वेज जुबान जो है वो किसकी एग्जांपल है, तो वो सिंबॉलिक कल्चर की एग्जांपल है, ऑप्शन बी सिंबॉलिक कल्चर। इसके बाद जो एमसीक्यू नंबर 27 है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ मटीरियल कल्चर, मटीरियल कल्चर की एग्जांपल कौन सी जो है एग्जांपल नहीं है, तो बिल्डिंग भी मटीरियल कल्चर है, कार्स भी मटीरियल कल्चर है, आर्ट्स भी मटीरियल कल्चर है, नॉर्म्स जो है ना वो मटीरियल कल्चर नहीं है, ठीक है। नॉर्म्स याद रखिए, वो मटीरियल कल्चर में नहीं आता। एमसीक्यू नंबर 28 है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ सिंबॉलिक कल्चर, सिंबॉलिक कल्चर की एग्जांपल मतलब इसमें कौन सी नहीं है, ठीक है। नॉर्म्स वो भी सिंबॉलिक कल्चर है, जस्टेड वो भी सिंबॉलिक कल्चर है, क्लॉथ जो है ना वो सिंबॉलिक कल्चर नहीं है, ठीक है। लैंग्वेज भी एक सिंबॉलिक कल्चर है, लेकिन क्लॉथ्स कपड़े जो है ना वो सिंबॉलिक कल्चर नहीं है। एमसीक्यू नंबर 29 है दोस्तों, सेंक्शन इज द वे टू इन्फोर्स, तो इसका है ऑप्शन बी नॉर्म्स, ठीक है। सेंक्शन इज द वे टू इन्फोर्स नॉर्म्स, ऑप्शन बी। एंड सेंक्शन कैन बी, ठीक है, सेंक्शन क्या हो सकते हैं, ठीक है, तो वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन डी, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एमसीक्यू नंबर 31 है दोस्तों, फॉक वे इज एन एग्जांपल ऑफ, तो ये सोशल नॉर्म में आता है, फॉक वे जो ना वो किस का एग्जांपल है, वो सोशल नॉर्म्स का एग्जांपल है। एमसीक्यू नंबर 32 है दोस्तों, विच इज द फ्रॉम द फॉलोइंग इज लीस्ट स्ट्रिक्टली इन्फोर्स, तो फॉक वे इसका सही आंसर है, ऑप्शन ए फॉक वे। एमसीक्यू नंबर 33 है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्ट्रिक्टली इन्फोर्स, तो कौन से जो ना उसको ज़बरदस्ती इन्फोर्स किया जाए, लागू किया जाता है, तो वो है टैबूज, ठीक है, ऑप्शन सी टैबूज। एंड हमारा जो एमसीक्यू नंबर 34 है दोस्तों, अ ग्रुप विच हैज़ इट्स वैल्यू काउंटरटैक्टिंग विद द ब्रॉडर कल्चर फॉर्म, तो ये है काउंटर कल्चर, ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन बी काउंटर कल्चर। एन एम सी क्यू नंबर 35 है दोस्तों, सोसाइटी विद डिफरेंट कल्चर वैल्यू, एक ऐसा मोशर जहाँ पे डिफरेंट जो ना सकाफत या कल्चर्स पाए जाते, तो उसको प्लूरलिस्टिक कहा जाता है, ठीक है, उस सोसाइटी को प्लूरलिस्टिक कहा जाता है, ऑप्शन ए। एंड हमारा जो एम सी क्यू नंबर 36 है दोस्तों, वैल्यू शेप टुगेदर फॉर्म अ लार्जर होल फॉर्म्स, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी वैल्यू क्लस्टर, ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन बी वैल्यू क्लस्टर। एम सी क्यू नंबर 37 है दोस्तों, वैल्यू दैट रन पॉसिबल टू ईच अदर फॉर्म, तो ये है वैल्यू कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन ए वैल्यू कॉन्ट्राडिक्शंस। एंड एम सी क्यू नंबर 38 है दोस्तों, आइडियल कल्चर, आइडियल कल्चर कल्चर क्या होता है, ठीक है, तो ये नॉर्म्स आउट टू बी मैनिफेस्टेड, नॉर्म्स आउट टू बी मैनिफेस्टेड का सही आंसर है ऑप्शन बी। एंड हम
हमारे जो सेकेंड लास्ट एमसीक्यू द वे इन विच पीपल एक्चुअली फॉलो नॉर्म इज, तो ये मैनिफेस्ट कल्चर है, ठीक है. द वे इन विच पीपल एक्चुअली फॉलो नॉर्म्स, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मैनिफेस्ट कल्चर. और जो हमारा लास्ट एमसीक्यू है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, द स्प्रेड ऑफ कल्चर ट्रेड्स एंड पैटर्न इन अ स्पेस कॉल्ड, ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, डिफ्यूजन. ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन सी, डिफ्यूजन. उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एमसीक्यूज पसंद आए और इससे आपको नॉलेज मिला. अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ये नॉलेज और ये चैनल स्टडी पर्पज़ के लिए बनाया गया है, ठीक है, ये नॉलेज हर एक स्टूडेंट हर एक एस्पायरेंट के साथ शेयर हो. ठीक है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अनटिल द नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.